ये मूसा आप क्या बने हुए हो यार, ये आप क्या बने हुए हो हैं, क्या बने हुए हो बताओ ना। अंकल इतना आप अपने गाइस को अपने दांत के बारे में तो बताओ। गाइस मूसा का रात को दांत टूटा था और मूसा को आपको क्या मिला था? मेरी पिक्चर नजर आ रही तुम्हारी ग्लासेस में, छोड़ इसको। अच्छा हाँ जी बताओ मूसा। मैं मूसा की ट्रांसलेशन आप लोगों को करके बताती हूँ कि गाइस मूसा का रात को तीत टूटा था और मूसा ने तकिए के नीचे, मैं भी पहले सुनाने दो ना, तकिए के नीचे तीत रखा था। सुबह जब मूसा उठा तो मूसा के तकिए के पे नीचे 500 रुपीज पड़े हुए थे और वो चॉकलेट मिल्क थे। और मूसा का जो तीत था ना, मूसा ने बड़ा संभाल के रखा हुआ था, तो ईसा साहब ने ना मूसा का तीत घुमा दिया है ना। अब ये पैसे है ना जो तूत फेरी ने दिए है मूसा को, वो मामा के हो गए है ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा उमर व्लॉग। मैं हूँ आयशा उमर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं या चैनल को पुराने देखने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और जी वीडियो को शेयर भी कर देना एंड पर। और जी गाइस ये जो पीछे मूसा आपको दिखा रहा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मूसा का फाइनली स्कूल का कोर्स आ गया, बुक्स आ गई हैं, जिसको सिर्फ ये दिखाने में एक्साइटेड है, पढ़ने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, है ना। थैंक यू मूसा। गाइस ये देखे मूसा का कोर्स आ गया, सबसे पहले ये उसकी स्केच बुक है। यार मूसा की बुक्स देख के ना तो मैं खुद परेशान हो गई हूँ कि ये कैसे मैंने इसको पढ़ानी है। माशाल्लाह से इतनी हैवी हैवी बुक्स, इतनी देखें आप, ये चेक करें ज़रा, ये क्या, ये चेक करें, इतनी इतनी मोटी बुक इंग्लिश की, तीन तीन बुक्स, क्या कर रही हूँ मूसा, एक एक वन बाई वन निकालो। इंग्लिश की इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, मैथ की इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, यस yes, यार माशाल्लाह से। चलो अल्लाह तआला हिम्मत दे माँ को भी और मूसा को भी कि ये पढ़े, ये देखें मैथ की बुक चेक करें, दो दो बुक्स मैथ की हैं, दो दो उर्दू की हैं, दो दो इंग्लिश की हैं, ये उर्दू की फाइनली, उर्दू की भी, और ये एक्स्ट्रा जनरल और इस्लामियात, ये एक्स्ट्रा बेटा। इसके अलावा ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा इसकी बुक्स हैं। और आप लोग बताएँ कि आप लोगों के बच्चों की स्कूल कोर्स आप लोगों ने ले लिया? ये देखें ये रीडर्स हैं सारे, बुक्स अलग हैं, कॉपीज अलग हैं, ये रीडर्स अलग हैं, ये इनके स्कूल में ऐसा ही होता है जी। तो गाइस ये देखिए मुझे इनकी ना रीडर्स बहुत प्यारे लगते हैं, इतनी क्यूट क्यूट सी इनकी पिक्चर्स होती है ना रीडर्स जी। दिखाओ दिखाओ, ये कॉपीज भी हैं भाई, ये 6 कॉपीज हैं, ये देखिए जी, ये इनका स्कूल है। हाँ जी ये इनका स्कूल है, स्कूल की ना अंदर से भी देखो कितनी प्यारी इन्होंने कॉपी बनाई हुई है, देखें गाइस यहाँ पर भी, अंदर से आपने नहीं देखी पहले, ये देखो यहाँ पे भी बना हुआ डिजाइन, हाँ बहुत प्यारी कॉपीज हैं। सो अब आप सब लोग मूसा को बेस्ट ऑफ लक कह दें इन समर हॉलीडेज के लिए, ताकि अच्छा अच्छा पढ़े और स्कूल जाए, है ना, हॉलीडेज के बाद। और अब इसको मैं इंशाल्लाह ताला पढ़ाना, मैंने इसको स्टार्ट करवा दिया मैं। उसके बाद जी मैं किचन में आई थी, आज मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए खिचड़ी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे खिचड़ी बनाती हूँ। मैं ऐसे पहले तड़का बनाती हूँ प्याज का, प्याज को ब्राउन करती हूँ, उसमें ज़ीरा डालती हूँ और एक लौंग, एक दो काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा, और इसमें डालती हूँ मैं नमक और हल्दी। हल्दी मैं डालने लगी थी तो हल्दी का चम्मच भी साथ बीच में गिर गया, मुझे खुद हंसी आ रही बोलते हुए। सो मैं जस्ट इसमें नमक और हल्दी डालती हूँ और बस, इतनी मज़े की खिचड़ी बनती है, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और बड़े भी। और इसमें जिस टी में तड़का लगाती हूँ और बस, उसके बाद जी नमक थोड़ा ज़्यादा डालना ताकि मज़ा आए, ठीक है, नमकीन नमकीन सी खिचड़ी हो। और इसमें जी मेरी दाल और चावल इकट्ठे ही भिगोए हुए थे मैंने, और इनको मैं इसमें डाल दूंगी, और पानी डालना आपने इसमें डबल ताकि नरम सी खिचड़ी बने। और जिसका अगर मैं आपको मोशन वगैरह भी लगे हैं, किसी की तबीयत ख़राब है तो उसको भी खिचड़ी दें आराम से, बड़ी अच्छी रहती है खिचड़ी। ऐसे बस मैंने तड़का लगा दिया और मैंने इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। साथ ही साथ भी जी किचन में थोड़ी मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने अपने लिए बनाया आलू और आलू की इमली और आलू बुखारे का शरबत, वो पीऊँगी ठंडा ठंडा। और उसके बाद जी खिचड़ी मेरी तैयार हो गई थी, तो अब मैं बच्चों को खिलाऊँगी खिचड़ी। बड़े मज़ेदार सॉफ्ट सी नरम सी खिचड़ी बनती है, नमकीन सी लाइट सी। ये जो खिचड़ी ना हर एज का बच्चा खा सकता है, 1 ईयर का बच्चा, उससे अबव हर बच्चा खा सकता है इजीली। उसके बाद जी डायरेक्ट शाम के टाइम पे आ जाते हैं। शाम के टाइम जी हमने चाय के साथ बनाए थे जी पकौड़े चिकन के, बड़े ही मज़ेदार क्रिस्पी, मैंने आपके साथ शेयर की हुई इसकी रेसिपी जी। गाइस रात का टाइम है, मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ बाहर, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, ग्रोसरी नहीं मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी घर की मेरी लेने वाली, वो लेने जा रही हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ। चलते हैं जी बाहर।
बच्चों ने जी आते साथ ही टॉइस पे हमला कर दिया। टॉइस वो इस कुछ भी नहीं लेने, ये मूसा ही बास्केट करो इधर, बास्केट करो। नो नो कोई भी नहीं, आओ जो पहले चीज़ें बाकी ले जो लेने आई थी। मैं अपनी ज़रूरी चीज़ें लेने आई हूँ और ये बच्चे देखिए अपना टॉइस वहाँ पे शुरू हो गया। कोई टॉइस नहीं लेने, चलो आ जाओ इधर। ये वाला ऑर्गेनो यूज़ करती हूँ मैं, ऑर्गेनो लीव्स बड़े अच्छे होते हैं। ट्रॉली चेक करो, वाह वाह वहाँ से भी दूर दोनों तरफ से पकड़ो। ईसा की ट्रॉली चेक करो, वाह ईसा वाह, जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, बाद में हमने निकाल ही देना। जी मैं लेने आई हूँ कॉफ़ी और ये दो सारी दूध वाली है, ब्लैक कॉफ़ी चाहिए थी इसमें ना सारी दूध वाली है, थ्री इन वन ये है, मिल गई है ये लेने हैं। गाइस ये मैंने बहुत दफ़ा लिया है और मैं ना इसको कुछ टाइम के बाद यूज़ करना भूल जाती हूँ और ये ख़राब हो जाती है। ये मेरी दो दफ़ा ऐसे हुई है, कॉफ़ी मैंने ली है और मैंने कुछ टाइम यूज़ नहीं की, वो बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं साशे लूँगी, साशे जल्दी ख़राब ही नहीं होंगे, आराम से दो दफ़ा यूज़ कर लिया एक साशे। मूसा साहब अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, तीन चार चीज़ें ले रहे हैं आप भी अपनी मर्ज़ी की। मैं शैम्पू देखना है, मेरे शैम्पू नहीं नज़र आ रहा, रुको। ये वाले बिस्किट बड़े मज़े के होते हैं, डब्बा नहीं रख लेना पूरा वापस से, खो डब्बा नहीं पूरा लेना। ये है जी शैम्पू जो मैं यूज़ करती हूँ मैकले लंडन, यहाँ पर इसकी प्राइस 430 है और मैंने उस दिन जब लिया था ना ये 550 का मिला, मुझे 550 का मिला था और आज ये देखिए 430 के लगा। ये इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल और ये बहुत अच्छा शैम्पू, आप लोग भी ज़रूर लें। ये ले लेती हूँ एक, और एक इसमें ना ये भी है ल्यूमिनस वाला, स्ट्रॉन्ग हेल्दी डैमेज कलर लॉन्ग, ये ग्रीन वाला नहीं अच्छा इसका। एक ये वाला ले लेती हूँ ब्लैक वाला, और एक पिंक वाला लिया मैंने, रख दो इसमें। और जानी मेरे बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ होता है, मेरे माशाल्लाह लॉन्ग हेयर्स हैं तो शैम्पू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरा। ये है मेरी थोड़ी सी शॉपिंग और हस्बैंड कह रहे तुमने चिप्स वगैरह नहीं आज ली, मैं अपनी मंचिंग के लिए चिप्स और निमको वगैरह बहुत लेती हूँ, आज मैंने नहीं ली। मैं सोची यार ईद तक थोड़ा सा मुँह पर ताला लगाया जाए और थोड़ी सी स्मार्ट हो जाऊँ मैं ईद तक, लेकिन मुश्किल है। फाइनली फिर भी थोड़ी सी ले ली मैंने मंचिंग शंचिंग अपनी, तो पॉपकॉर्न घर में पड़े मैं बना दूंगी आपको, चलो पॉपकॉर्न नहीं यहाँ से ले रहे। मैं आपका जूस लिया, ये देखो आज मूसा, मूसा ने लिया मैंने तो नहीं लिया। और यहाँ पर जी ईसा रो रहा है, ज़िद कर रहा है टॉय लेने के लिए, इस जनाब की ना टॉय की जो फरमाइशें ना वो ख़त्म ही नहीं होती। सो गाइज मैंने अपना सारा सामान ले लिया था, अब मैं जा रही हूँ वापस घर और मैंने सोचा कि रास्ते में बाज़ार की रौनक देख ली जाए। और यहाँ पर आप देखें बाज़ार में कितनी रौनक है, हालाँकि अभी 11 बजे का टाइम था रात के, और फिर भी स्टिल अभी तक शॉप्स ओपन थी और बाज़ार में रौनक थी क्योंकि ईद आ रही आ गई, इसलिए ईद वाला वीक है ये सारा, तो इसलिए बाज़ार अभी खुले हुए लेट नाइट तक और बाज़ारों में काफ़ी रौनक भी थी। सो जी उसके बाद गाइज मैं अब घर आ गई हूँ, घर आके मैंने अपनी सारी चीज़ें समेट ली थी। शैम्पू मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे बड़े फेवरेट और बड़े ही रीज़नेबल अच्छे शैम्पू हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, बड़े अच्छे और इनकी प्राइस भी बहुत कम है। सो उसके बाद जी मूसा साहब ने फरमाइश की, मामा मैं जो चोको ब्लिस लेकर आया था मैंने अभी ही खाना है ब्रेड के साथ, मैंने इसको बोला सुबह खाना, कहता नहीं मैंने अभी ही खाना है। सो भाई बच्चों के फरमाइशी प्रोग्राम आजकल फुल ऑन छुट्टियों में चल रहे हैं, सो मैं इसको दो ब्रेडों पे ऐसे ये लगा दूँगी चोको, इसको बेसिकली नुटेला खाता था पहले, लेकिन नुटेला यार काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया हुआ है ऊपर से, सो और शॉर्ट भी हो गया था पीछे काफ़ी ना, सो मैंने ये चोको ब्लिस लेना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा है और इसकी प्राइस भी कम है, नुटेला की नस्बत इसकी प्राइस कम है और ये भी बहुत मज़े का होता है, आप बच्चों को ला कर दें, बच्चे बड़ा खुश होकर खाते हैं, ब्रेड पे लगा के दें, पराठे पे लगा के दें। सो इस तरह से मैं इसको डबल कर दूंगी ब्रेड को और इसके ना पीसेस कर दूंगी ताकि वो इजीली खा सके। ये जी मैंने उसके 4 पीसेस कर दिए हैं, इस तरह प्यारा भी लगेगा और उसको खाने में मज़ा भी आएगा। अगर ईसा ने भी बीच में लेना होगा तो ईसा एक पीस ले लेगा इसमें से। सो जी साथ जी मैं सोची थी कि मैं अपना कहवा बना लूँ और कहवा बनाकर एक ही दफ़ा रूम में लेकर जाऊँ अपना सारा सामान। सो जी ये वाला चोको ब्लिस है, ये बड़ा मज़े का होता है। और यहाँ पर जी मैंने अपना टी पैक वाला कहवा बना लिया, कहवा मैं यूज़ करती हूँ टपाल का, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर यूज़ करती रहती हूँ। आप भी मैं रिसेंटली स्ट्रॉबेरी वाला लेकर आई थी वही यूज़ कर रही हूँ जी। तो मैं अपना कहवा इंजॉय करूँगी और मूसा अपनी चॉकलेट ब्रेड इंजॉय करेगा जी। तो गाइस मैं मार्ट से वापस आ गई थी और आके सारी अपनी चीज़ें वगैरह समेटी हैं, नमाज़ पढ़ के अब मैं अपनी स्किन केयर करने लगी थी और इन शैतानों को सुलाने लगी हूँ। तो सुलाने के नाम पे तो मूसा ऐसे चिढ़ता है ना, जाओ खेलो शाम मूसा आराम से।
सो मैं अपनी स्किन केयर करने लगी, यार मेरे फेस पे एक्नी खत्म ही नहीं हो रही। मैं एक्नी वाली क्रीम लेकर आई हूँ, बड़ी अच्छी है, उससे एक्नी मतलब के रुक जाती है, लेकिन दो तीन दिन बाद फिर दोबारा एक्नी निकल जाती है। मतलब कि एक्नी का जो सिस्टम है ना वो बढ़ता ही जा रहा है मेरा, निकलती है, ख़त्म होती है, दोबारा निकल आती है। चलो कोई बात नहीं, एक्नी की मर्जी। सो हम अपनी स्किन केयर करने लगी हूँ। सबसे पहले जी मेरी स्किन केयर भी यार ख़त्म हुई हुई है, और मैंने ऑर्डर किया मेरा टोनर और मेरी नाइट क्रीम, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो मेरी दो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। बस टोनर इतना सा रह गया, तो मैंने टोनर भी ऑर्डर कर दिया, अपनी नाइट क्रीम भी ऑर्डर कर दी है। सो अब मैं ना टोनर करूँगी ऐसे जी। तो गाइस टोनर मैंने अपने फेस पे लगाया है, जो यार डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप फेस पे कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो अपने फेस को टैप टैप किया करें, उससे क्या होती है कि फेस की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होती है, तो बड़ा अच्छा चीज़ का रिजल्ट आता। सो मैंने टोनर लगाया, इसको मैं ड्राई होने दूँगी, तो मैं इसको साथ फटाफट से ड्राई कर लूँगी अपने मिनी फैन के साथ। इससे यह क्या मज़ा आता है आपको, और फटाफट सी आपकी चीज़ ना ड्राई हो जाती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। और एक चीज़ जब ड्राई हो जाए उसके बाद सेकंड आप स्टेप यूज़ किया करें। जी टोनर लग गया, और जी अब मैं अपना सीरम लगाऊंगी, ये नाइसिनामाइड, और नाइट क्रीम मेरी ख़त्म हुई हुई है, वो मैंने ऑर्डर की हुई है, जैसी आएगी फिर वो यूज़ करते हैं। गाइस मैंने अपनी स्किन केयर इसा जी, तो गाइस मैंने अपनी स्किन केयर कर ली थी, और जी अब मैं बच्चों को सुलाने लगी हूँ, खुद भी सोने लगी हूँ। साथ में बहुत गर्मी होती है, तो आज मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, बस दिल नहीं था, मेरा मूड था, तो अब बस एसी लगा के आराम से सोते हैं। जी जी ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सो गाइस अब वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो ज़रूर शेयर करें। ओके इंशाल्लाह, आमीन। 1 मिलियन लाइक्स मेरे बेटे आ रहे हैं, अल्लाह ताला मेरे बेटे की ज़ुबान मुबारक करे, 1 मिलियन लाइक्स आ जाए। सो वे लोग को करते हैं यहाँ पे एंड, और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।